हेलो पीपल, दिस इज़ माय ब्लॉग। जो मैं लास्ट ईयर नवंबर में गया था खीरगंगा ट्रैक पे, ये एक्चुअल में काफ़ी प्यारा ट्रैक है और बेस्ट टाइम इसका नवंबर और दिसंबर ही है, बिकॉज़ यू नो आपको स्नोफॉल मिल जाएगी यहाँ पे। सो मैं यही सोच के आ गया। इट वॉज सो क्वाइट ब्यूटिफुल। ये टोटल ट्रैक 14 किलोमीटर के, और हम यहाँ अभी आधा पहुँच चुके हैं, मतलब हमने 7 किलोमीटर कवर कर ली है। सो आगे बहुत प्यारा झरना है जो आप वीडियो में देखेंगे। ये झरना मतलब इतना ज़्यादा ठंडा था, मेरे हाथ जम गए थे। ऑल दो हम लोग कट करके आ रहे थे, बहुत ज़्यादा पसीना हो रखा था, बट यहाँ आने के बाद खुशी जम गई थी। और ये हम ऊपर पहुंच चुके हैं। ये बहुत प्यारा शिव मंदिर है, अगर आप जा रहे हैं तो आप प्लीज़ इसे विज़िट करना, देखना, आशीर्वाद लेना भोले बाबा का। और आप वहाँ की वाइब जो है ना वो बहुत प्यारी है, तो आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं एक्चुअल में वर्ड्स पे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ इसे। दिस इज़ समथिंग अमेजिंग, समथिंग मतलब डिफरेंट। ये गर्म पानी के कुंड भी आप देख रहे हैं, इसी के वजह से इसका नाम खीर गंगा और दूध गंगा पड़ा। आपने पढ़ा होगा जो आप रिसर्च कर रहे होंगे, तो ये एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और जब आप इसे टच करेंगे, जो आप इसमें वाइट देख रहे हैं, साइंटिस्ट कहते हैं एल्गी है, बट जब आप इसे छुएंगे तो ऐसा लगेगा जो हम दूध में जो मलाई छू रहे होते हैं वो वैसा हाथ में फील करवाती है। ये जैसे आप देख सकते हैं नीचे हमारा बेस कैंप था, ये ऊपर हम ट्रैक के लिए जा रहे हैं। कार्तिक स्वामी के टेंपल कहा जाता है, यहाँ पे उन्होंने वो बैठ के तपस्या किए थे जब गणेश जी और उनमें लड़ाई हो गई थी। ये वही गुफा है कहा जाता है जैसा कि यहाँ पे उन्होंने बैठ के तपस्या किया था। ये आगे आप देखेंगे कि वो गुफा कैसा है। तो ये एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सांस फूल रही थी, बहुत ज़्यादा। तो रास्ता बहुत सही बना हुआ है, लेकिन है कि आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग में झाड़ियों से होके गुजरना पड़ता है। तो और कैमरा इस वजह से स्टेबल नहीं था बिकॉज स्टीप बहुत था, और व्यू भी इंजॉय कर रहे थे यू नो, तो थोड़ा सा इसलिए 600-700 मीटर की अप्रॉक्स खड़ी चढ़ाई है वहाँ से ये गुफा। तो आप जब देखेंगे कि जब आप चढ़ रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत लंबा है, लेकिन ऐसा है नहीं, 600-700 मीटर मैक्स टू मैक्स है। तो आप जब चढ़ रहे हैं तो अच्छे से चढ़ सकते हैं, बस ध्यान रहे कि आपके पैर ना स्लिप करें, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होगा। खड़ी चढ़ाई और इतनी खड़ी चढ़ाइयों के बाद फाइनली हम इस छोटे से पैर से गुफा में घुस चुके हैं। और ये सामने कार्तिक भगवान की मूर्ति है, और ये मतलब काफ़ी गुफा गर्म था, बाहर जितनी ठंड थी ये गुफा उतना ही गर्म था। देख सकते हैं स्पेस अच्छा खासा है, बैठ कर मेडिटेट भी कर सकते हैं। मैंने सोचा कि इतनी दूर आए हैं तो ऑब्वियसली बनता है थोड़ा मेडिटेट करना यहाँ बैठ के। काफ़ी एक्चुअल में काफ़ी सूटिंग था ये, मैंने बस वीडियो बनवाई नहीं, मेरे साथ जो पार्टनर थे मेरे वो उन्होंने बना दिया वीडियो मेरा, थैंक्स टू उनको चूँकि वीडियो बनाया था। और ये वहाँ के कुछ आसपास के नज़ारे जो हमने बाद में साइट सीइंग करा,
प्यारा है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो प्लीज़ जाइए। बस अंदर एक कीड़ा होना चाहिए कि नहीं यार, मेरे को पहाड़ों पे जाना है, मेरे को हर एक चीज़ एक्सप्लोर करनी है। दैट्स द ओनली थिंग जो आपको वहाँ पे खींचे चले जाता है, और वही चीज़ की वजह से हम इतनी खड़ी चढ़ाइयों पे भी चढ़ जाते हैं। डजेंट मैटर वो कितना हार्ड है, क्या है। और ये थोड़ा रील कंटेंट कैप्चर करने के लिए सीरियल नेटवर्क स्टार्ट करने के लिए एक्चुअल में दो रास्ते हैं, एक जंगल के साइड की और एक है गांव के साइड। हमने स्टार्टिंग में जंगल लिया, जंगल के साइड से स्टार्ट किया, फिर हम आए यहाँ पे गांव के साइड से। तो एक्चुअल में दोनों रास्ते अच्छे हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि आप जंगल के साइड से चढ़ाई करें, गाँव के साइड से नीचे उतरें, तो आपको दोनों साइड की व्यू मिल जाएगी। यही है इस वीडियो में, ये आगे आप बाद में देख रहे हैं। और ये कुछ गांव के रास्ते हैं जो मैंने क्लिप में डाला है। तो बस यही है, इतना ही था हमारा ट्रैक। एक्चुअली बहुत है दिखाने को, लेकिन द थिंग इज कि ये इतना मेरे को लगा कि ये सफिशियंट होगा आपके समझने के लिए। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। ये सारे कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं ऐड कर रहा हूँ इस वीडियो क्लिप में, जो कि आपको अगर ट्रैक करने के लिए जा रहे हैं का सोच रहे हो, तो आपको वो मोटिवेट और ज़्यादा मोटिवेट करेगा कि इस ट्रैक पे जाओ। ये है रात की वहाँ के फ़ोटोज़, माइनस में टेम्परेचर था ये जब हम ट्रैक कर रहे थे कार्तिक स्वामी टेम्पल का। ये गुफा के पास में ये रास्तों पे वहाँ सेब के बगीचे हैं, आप जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी प्यारी थी।